तो फ्रेंड यहाँ पे मैं कच्चा आलू का पराठा बनाने के लिए इधर आलू दो आलू था इसको कद्दूकस करके धो लिए हैं और कद्दूकस किए उसके बाद धो लिए हैं, इधर पतला साइड से किए हैं और एक प्याज है ये रहा इसको छील के धो लिए हैं और इसको अभी ये मोटा साइड से कद्दूकस कर लूँगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी बनाऊँगी, बच्ची दोनों छत में खेल रही है और इसको मैं जल्दी से कद्दूकस कर लेती हूँ। और इधर प्याज कद्दूकस हो गया है और इसमें डाले हैं अचार है और हल्दी मसाला है और नमक है और ये अदरक और लहसुन इसको भी कद्दूकस करेंगे और चाहे तो आप लोग मिर्चा भी डाल सकते हैं पर मैं मिर्चा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्ची दोनों खाएगी तो उस कारण से। तो और ये मसाला सब अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको मैं अभी कद्दूकस कर लेती हूँ और अदरक लहसुन भी डाल दिए, मसाला सब भी डाल दिए। अब डाल देते हैं आटा, आटा डाल के अब पहले ऐसे ही सूखा ऐसे मिला लेते हैं, अच्छा से गूंथ लेते हैं। तो तेल के नमक की वजह से प्याज और आलू का पानी निकल जाएगा तो गीला नहीं होगा, नहीं तो गीला गीला हो जाएगा और उतना गीला गीला नहीं गूंथना है आटा को, थोड़ा ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, इसीलिए पहले इसको ऐसे गूंथ लेते हैं उसके बाद में पानी डालेंगे। इसको मैं गूंथ लेती हूँ, ऐसे सूखा गूंथ लेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो गीला हो जाएगा। और इधर देखिए अच्छा से गूंथ चुका है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसका बना लेते हैं पराठा और इधर ऐसे गोल गोल करके रख दिए हैं, इसको अभी बेल लेते हैं पराठा। और छोटी आ गई है खेल के, बोल रही है मम्मी मुझे भूख लगा है, तो इसको मैं बेल लेती हूँ अभी। और अभी डाल देते हैं देते हैं और एक तरफ देखिए पक गया है और चाहे तो आप घी या तो रिफाइन के साथ सेक सकते हैं पर मैं बच्ची दोनों के लिए घी से सेकूंगी और हम लोग के लिए रिफाइन। इसको अच्छा से दबा दबा के सेक लेना है। और अभी डाल दिए हैं तेल, तेल डाल के अच्छा से सेक लेते हैं दबा दबा के। और ये देखिए बन के रेडी हो गया है, दोनों साइड अच्छा से पक चुका है। इसको उतार लेते हैं और बाकी भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो अब पलट देते हैं इसको, एक तरफ पक चुका है तो अब डाल देते हैं तेल, नीचे साइड फिर डाल देंगे साइड साइड से और अभी पलट पलट के पका लेते हैं। अभी नीचे आ गई है बच्ची दोनों और छोटी बोल रही थी मम्मी भूख लगा है दे दो, उसके बाद अभी टीवी देख रही है, आज तो स्कूल छुट्टी है तो आज तो वो दोनों का एकदम मजे ही मजे है। और इधर दोनों साइड पलट पलट के सेक लिए हैं, अब हो चुका है देखिए कितना अच्छा बन चुका है और बाकी सब भी बना लेती हूँ इसी तरह से। फ्रेंड देखिए इधर इतना सारा बन चुका है कच्चा आलू का पराठा और अई छोटी इधर दे लाए हैं सॉस, छोटी को देंगे और छोटी के लिए ये छोटू सा पराठा, छोटी खाओ चलो खाओ और बताओ कैसे लगा। हाँ और नाश्ता कर लिए हैं, नाश्ता करने के बाद पहले नहाए उसके बाद नाश्ता किए हैं और बाल धोए हैं, बाल मेरा सूखा नहीं है और आज ढेर सारा कपड़ा धो रहे हैं। हस्बैंड बैग सब धो दिए थे, बैग मतलब वही अपना ड्यूटी वाला बैग, बच्ची दोनों का स्कूल वाला बैग और सब बेडशीट इधर में है मशीन में। और इधर में आज तो छुट्टी है तो इधर का दिन भर खेलना चलेगा कि क्या पता नहीं, इधर छोटी खेल रही है छत में खेली इतना देर फिर अभी यहाँ खेल रही है,
क्या खा रही हो? पता नहीं क्या खा रही है, कैंडी, क्या कैंडी लाई थी पता नहीं, एकदम कलरफुल है, खा रही है। तो हमको लग ऐसे तो कुछ खाती नहीं है, ऐसे क्या बोलेंगे, कुछ भी ऐसे उठा के खाती नहीं है, पर उसका मुंह देखिए ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो क्या खा रही है पूछे। तो ये कैंडी है, दिखा रहे क्या खा रही है। ये नहीं नहाई है, ये दोनों नहीं नहाए हैं, गंदी बच्ची दोनों। दिखा रही है, दिखा टंग, दिखा टंग, दिखा हाथ में क्या है, इधर में खेल रही है। क्या बना रही है छोटी? कैंडी है, कैंडी छी चाटी है उसको, पूरा ऐसे मुंह से निकाल के दिया हमको छोटी। खा रही थी, मुंह से निकाली और दे रही है छोटी, फिर खा रही है दूध रोटी, उसके पापा जबरदस्ती खिला रहे, खाई है पराठा फिर भी। हाँ खाई है, तो खाई है एक, उसको हम दिए थे अलग से, इसको दो दिए थे, दो दिए थे, एक खत्म की, एक नहीं खाई, जबरदस्ती खिला रहे हैं। दिए थे कितना दिए थे पता है? तीन दिए थे दोनों को, इसको दो दिए थे, उसको एक दिए थे, पर उसके पापा भी खेल रहे हैं छोटी के साथ में। और मेरा अभी एक पार्सल आया है, तो मैं जा रही हूँ, पकड़ो लो, लो दे दो पैसा, लो इसको दे रहे हैं। दिखा दिखा दिखा, ये रहा, आ गया है, क्या है? और दिखाएंगे इतना छोटी सा बॉक्स में क्या है, दिखाएंगे, खोल के दिखाएंगे तुमको क्या आया है। इसको खोल लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी क्या है। और ये पार्सल खोलते समय मेरा फेस में खुशी देख सकते हैं आप लोग, और मैं इतना ज़्यादा खुश थी क्या ही बताऊँ, तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा था, और जैसे ऑर्डर किए थे वैसे ही वाला मिला है, तो बहुत ही सुंदर था, पर क्या करूँ बहुत बड़ा था, क्योंकि उतना बड़ा मैं पहनती नहीं हूँ ना, तो उस कारण से ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। जैसे जो लोग पहनते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए खुश थी मैं। और इयररिंग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। फ्रेंड अभी दोपहर का वक्त है, और अभी मैं बना रही थी खाना, तो इधर पानी गर्म कर दिए हैं, इधर टमाटर काटे हैं, इधर आलू है, और इधर चावल को भिंगा के रखे हैं, और दाल चावल है और मिक्स वाला दाल है, इधर प्याज काटे हैं, और इधर मैं गर्म कर दिए हैं कुकर। अभी डाल देती हूँ तेल, और इसमें कोई छौंक नहीं डालूंगी, अभी बाद में डालूंगी छौंक, अभी ऐसे ही बनाऊंगी। तेल गरम हो गया है, अब डाल देते हैं आलू। और यहाँ पे मैं आलू को फ्राई कर लूंगी, उसके बाद फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेते हैं, इधर फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं आलू को। आलू फ्राई हो गया है और सब निकाल लिए हैं, उसके बाद उसी तेल में अभी डाल दिए हैं प्याज, प्याज डाल दिए, प्याज भुनने के बाद अभी डाल देते हैं मसाला, जो पीस के रखते हैं वो वाला मसाला डाल दिए, उसके बाद मसाला को भून लेते हैं, उसके बाद तेज पत्ता और टमाटर और मसाला सब भी डाल देते हैं, और इसको भून लेते हैं अच्छा से। और आज थोड़ा सा शाम नहीं दोपहर में आलसी आलसी भी लग रहा था, उस कारण से मैं खिचड़ी बनाई। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि खाना सब्जी भी बनाओ, तो मैं बोली कि नहीं आज खिचड़ी खा लीजिए, तो उसमें मसाला भूनने के बाद डाल दिए थे आलू को, उसके बाद में फिर डाल दिए दाल चावल धो के जो रखे थे उसको, और भून लिए दाल चावल को भी, उसके बाद अभी जो पानी गर्म करके रखे थे वो वाला पानी डाल देते हैं। और पानी डालने के बाद अभी इसमें एक से दो सीटी लगवाएंगे, उसके बाद गैस को अपने से निकलने देंगे, उसके बाद कुकर का ढक्कन को खोलेंगे। और अभी कुकर का ढक्कन को बंद कर लेते हैं, और उबल रहा है इसीलिए क्योंकि गर्म पानी डाली है। और यहाँ पर एक दो सीटी हो गया था, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। अभी जा रही है छत क्यों जा रहे हैं, ढेर सारा कपड़ा सुखाए, बैग सब है, ये देखिए इधर में
हाँ छोड़ दिए, वो अंदर में थी तो छोड़ दिए। कपड़ा उठा रहे हैं, और भी है इधर में लाइन लाइन। ये बैग सब, ये क्या हुआ है, छेद छेद। और इधर पूजा पंडाल देखिए, पता है आज रात मतलब कल रात 12 बजे तक बना रहा था ये लोग। ये सब, ये जो इधर में है ना, ये वाला और वो वाला और वो वाला बना रहा था, कल 12 बजे तक बना रहा था। दौड़ दौड़ के आए, थक गए। और ये सब कपड़ा ले जा रहे हैं। और ये वाला पौधा पता नहीं क्या का है, नहीं पता चल रहा है, एक फला है, पटल है कि क्या है, नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, और आज खिला है गुड़हल। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से पक गया है और कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम कलरफुल। और उधर में अंडा दिख रहा है, छोटी का वो बॉयल वाला अंडा चाहिए था। और इधर में मैं छोंक के लिए डाल रही हूँ तेल और मिर्चा, और ये ज़्यादा तोड़ते नहीं है ताकि ज़्यादा तीखा ना हो इसीलिए। और इसमें डाल दिए हैं जीरा और सूखा मिर्चा का तड़का डालूँगी। उसके बाद इधर में मैं डाल दे रही हूँ और निकाल के अभी हम लोग खा लेंगे गरम गरम, बहुत टेस्टी बना था। और